देख सकते दोस्तों हम न्यायालय के पास आ चुके हैं। ये हमारे पीछे कचहरी है और उच्च न्यायालय है जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ देख सकते बहुत सारा भीड़ है और हमारे पीछे वकील लोग हैं। भागलपुर जो जिला है यहाँ का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है और यहाँ पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आप लोगों की कृपा है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं बहुत दिनों के बाद आज ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। वैसे थोड़ा दिक्कतें तो आई थी और थोड़ा मैं मुसीबत में था, बट अभी भगवान की कृपा से मुसीबत तो टल गया है और अब मैं पूरा ठीक हो चुका हूँ और अब मैं फिर से ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा और मैं जो इतना दिन से ब्लॉग नहीं बनाया तो इसके लिए मैं आप लोगों से दिल से क्षमा मांगते हैं। प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वैसे दोस्तों, आज मैं कुछ नए तरीका से शुरुआत करता हूँ, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ जो मैंने पिछले किसी भी ब्लॉग में आप लोगों को इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। तो मैं पहले बता देता हूँ, मेरा नाम हुआ शौर्य कुमार और मैं बिहार राज्य के भागलपुर ज़िले के एक छोटे से गाँव थाना बीपुर मिल्की का रहने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पिताजी एक टीचर है और मैं भागलपुर शहर में रह करके पढ़ाई करता हूं और मैं एक यूपीएससी का स्टूडेंट हूं और मैं अभी मारवाड़ी कॉलेज से पढ़ाई कर रहा हूं। अभी मैं फाइनल ईयर में, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर में हूं, अभी एडमिशन हो रहा है। मैंने एडमिशन भी एक दो दिन में हो जाएगा मेरा एडमिशन भी, तो मैं उसका भी ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊँगा। मैं ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर में हूँ क्योंकि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने के बाद ही हम लोग सब यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि जब मेरे पास समय है तो इस समय का कुछ यूज किया जाए, इसलिए मैंने सोचा कि पढ़ाई के साथ साथ ना सोशल मीडिया पर भी कुछ अलग करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा और इसलिए मैंने सोचा कि ब्लॉग से स्टार्ट करते हैं और मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। देख सकते हैं, ये हमारा रूम रहा। तो मैं पढ़ाई के साथ ब्लॉग भी बनाना स्टार्ट कर दिया। और वैसे दोस्तों, मेरा एक डांस चैनल भी है स्ट्रीट डांस इंडिया के नाम से, वो मेरा खुद का चैनल है और मैं उस पर भी डांस वीडियो अपलोड करता हूँ। बस वो चैनल हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ उसे भी जाकर सपोर्ट करें और आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो मैं ज़रूर एक दिन कामयाब होऊंगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊँ। वैसे समाज में आप लोग देख सकते हैं आजकल बहुत सारी घटनाएँ होती रहती है मूलभूत तरीका से, तो मैं सोचता हूँ कि मैं उसे समाज के हर एक व्यक्ति को उस घटना से निपटने के लिए, उस घटना से समझ करके आगे बढ़ने के लिए लाइफ में मैं कुछ ना कुछ सिखाऊंगा अपने इस ब्लॉग के द्वारा। और वैसे दोस्तों, मैं बता दूँ, आजकल समाज में लोग ना बहुत सारे कठिनाइयों में उलझ के रह जाते हैं, जिसमें कि बहुत सारे व्यक्तियों में प्रतिभा होते हुए वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं आगे जाऊँगा बट वो आगे नहीं जा पाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण में फंसे रहते हैं। मेरा कोशिश रहेगा कि मैं उन सारे प्रतिभाशाली व्यक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा और मैं अपने वीडियो के द्वारा उसमें जागरूकता लाने की कोशिश करूँगा, उसको उसमें समझ डेवलप करने की कोशिश करूँगा और जहाँ तक होगा मेरा, मैं अपने तरफ से उनका मदद करना चाहूँगा। वैसे आज मैं बता दूँ, मेरा एक दोस्त आया है जिसका नाम दिलखुश है और वो भी ब्लॉग बनाते हैं, उनका भी अपना एक यूट्यूब चैनल है और बहुत करीबी दोस्त है मेरा, दिल से हम उसे बहुत पसंद करते हैं, तो हम थोड़ा उससे भी आप लोगों को मिलाते हैं। तो चलिए हम दिलखुश से बातें करते हैं थोड़ा सा। ये देख सकते हैं, हाय गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं इनका बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, आप लोग देख सकते हैं, और इनको आप लोग बहुत सपोर्ट कीजिए। तो जहाँ तक होंगे ये आपके लिए एक अच्छे से अच्छे ब्लॉग बना के लेके आएंगे, तो इनके साथ हम हमेशा इनके साथ रहना चाहते हैं। तो और ये भी बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं और हम दोनों मिलकर काम करते हैं, और डांस वीडियो में भी हम दोनों मिलकर के काम करेंगे। और वैसे मैं अभी कुछ ज्यादा दूर तो जाएंगे नहीं अभी, बट सोच रहे अभी थोड़ा सा एक काम पर गया है भागलपुर का कचहरी का, तो मैं हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा हम कचहरी दिखाने जाऊंगा। तो दोस्तों, तो मैं चलता हूँ और आप लोग भी बस मेरे साथ बने रहे, और मैं कचहरी चल रहा हूँ मैं और दिलखुश, तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं, देखते हैं क्या क्या, ठीक है? ओके। देख सकते हैं दोस्तों, ये मनाली चौक है और अभी भी हम मनाली चौक के पास आ चुके हैं, अभी कचहरी कोर्ट जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं एक गाड़ी है, जीप, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है,
वैसे अभी मैं कचहरी की तरफ जा रहा हूँ। ये भागलपुर का कचहरी रोड है और आप जो इस साइड में जो देख रहे हैं ये बाउंड्री जो है, इस बाउंड्री के उस पार संडिस कंपाउंड है। दोस्तों हम न्यायालय के पास आ चुके हैं, ये हमारे पीछे कचहरी है और उच्च न्यायालय है जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा भीड़ है और हमारे पीछे वकील लोग हैं इस साइड में। और ये भागलपुर जो जिला है यहाँ का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है और यहाँ पर जो है बहुत सारे जगह से यहाँ पर सारा प्रशासनिक काम होता है। बहुत सारे प्रखंड से, बहुत सारे गांव से लोग आते हैं यहाँ पर अपने अपने केस को लेकर के। तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा आगे जा करके, बस आप हम लोगों के साथ बने रहिए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं कचहरी गेट के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। यहाँ की सिक्योरिटी थोड़ा टाइट है लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को यहाँ का वीडियो दिखाता हूँ। इसी के अंदर न्यायालय है जहाँ पर लोगों को न्याय दिया जाता है। विटनेस बॉक्स सब इसी के अंदर में है और ये देख सकते हैं थोड़ा सा छोटा सा पार्क है और इधर कुछ लोगों को लेके जाया जा रहा है। तो अभी अब वापस हम लोग यहाँ से लौटते हैं और देख लिए जो भी था। आप लोगों को इस जगह पर हर केस से रिलेटेड एडवोकेट मिल जाएंगे क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर सारे एडवोकेट लोग बैठते हैं। तो आप लोग आसानी से उनसे मिलकर अपनी बातें कर सकते हैं, जो भी समस्या है आप लोग अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि टाइपिंग हाउस है जहाँ पर हर तरह के कागज जैसे कि बॉन्ड पेपर, एफिडेविट, रजिस्ट्री, ये सारे कागज पर टाइपिंग किया जाता है। वकील सब बैठाना। तो दोस्तों अभी हम कचहरी से वापस आ चुके हैं। वैसे जहाँ तक हो सका मैंने वीडियो दिखाया आप लोगों को, बताया वहाँ बहुत सारे पुलिस लोग घूम रहे थे और प्रशासनिक क्षेत्र था तो वहाँ ज़्यादा कुछ दिखाना बनता नहीं था, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा छोटा छोटा क्लिप ले लिया वहाँ का और आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो वैसे चलते हैं अब आगे और इतना ही दिखा पाए हम, थोड़ा सा प्रशासनिक क्षेत्र है यहाँ का, कुछ चीज़ें प्राइवेट होता है तो इसी वजह से हम लोगों ने अब यहाँ से चलने का फैसला लिया है। तो अभी हम लोग सब जा रहे हैं, हम और बिल्कुल सब लोग को दिखाते हैं, तो अब चलते हैं यहाँ से।